दिल्ली स्पेशल में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा तोमर। दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ मोहल्ला सभा का आयोजन किया। कांग्रेस ने मोहल्ला सभा की शुरुआत तिमारपुर वार्ड के संगम विहार से की। मोहल्ला सभा में कांग्रेस नेता ने बीजेपी के कामों पर सवाल खड़े किए, एमसीडी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियल टैक्स, जीएसटी को लेकर बीजेपी की एमसीडी में जबरन वसूली का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता कप्तान सिंह ने आम आदमी पार्टी के कामों को लेकर हल्ला बोला। कप्तान सिंह सांगवान ने कहा, कांग्रेस पार्टी जब दिल्ली में सरकार थी तब जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जनता को भूल गई है। कोई विकास का काम यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से नहीं करवाया गया है। देख रहे, वो तो मोहल्ला सभा कर रही थी एक दूसरे पे आरोप लगाने के कि वो 13,000 करोड़ खा गया और वो 2,500 करोड़ खा गया। हमारा इस मकसद नहीं है, हमारा मकसद है जनता के मुद्दे उठाना, जनता की बुनियादी सुविधाएं, मूलभूत समस्याओं के ऊपर हम जो है ये हल्ला बोल कर रहे हैं कि आपको 7 साल का समय मिल गया, दिल्ली में बदहाली है और हमारा पूरा क्षेत्र जो है बदहाली के कगार पे है, तो हम तो उसके हक तलबी की आवाज कर रहे हैं, हम तो इंसाफ के लिए जो है हल्ला बोल कर रहे हैं, हमारा दूसरा मकसद नहीं है। काम करते चुपे, बहुत ज्यादा इतना पानी भरा हुआ नाली, घर नालियों का पानी घरों में जा रहा है, गंदगी की वजह से बहुत ज्यादा, यहाँ सड़कें भी खराब है, बच्चे गिर जाते हैं, बड़े बूढ़े गिर जाते हैं, जो बेचारे बड़े बूढ़े बाहर भी नहीं निकल सकते, अधे रोड इतने हैं। वहीं ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में काटे गए पेंडिंग चालान के निपटारे के लिए पहली बार एक नई और अनूठी तरीके से लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसे घर घर लोक अदालत नाम दिया गया है। इसके तहत दिल्ली के 6 कोर्ट परिसरों के अलावा 33 अन्य सार्वजनिक जगहों पर अदालत लगाई गई, जहां पर जाकर लोग पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का निपटारा करा सकते हैं। हालांकि लोक अदालत में केवल उन्हीं चालानों को डिस्पोज किया जाएगा जो कि कंपाउंडेबल ट्रैफिक ऑफिस के दायरे में आएंगे और जिनमें ऑन स्पॉट या फिर ऑनलाइन जुर्माना भरकर चालान डिस्पोज करने का प्रावधान है। ड्रिंक एंड ड्राइव, रेड लाइट जंपिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, नाबालिग के साथ ड्राइविंग और लाइसेंस कैंसिल करने जैसे मामलों का निपटारा इस अदालत में नहीं होगा। आपको बता दें कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि BSLSA के द्वारा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर पहली बार घर घर लोक अदालत लगाई जा रही है, जिनमें लोग उसे अपनी गलती मानते हुए कोर्ट द्वारा निर्धारित जुर्माना देकर अपने चालान को जमा करवा सकेंगे। तरह के ट्रैफिक चालान जो है सरों को जितना मैक्सिमम हो सकेगा वो कर, तो मतलब सस्ता होगा या मतलब जैसे होता है उस तरीके से जैसे होता है, हो सकता है उसको लश वगैरह भी हो जाए अंदर पे। कौन कौन है सर? कितने मतलब कितनी देर तक चलेगी ये लोग अदालत? ये शाम तक चलेगी, 3:30 बजे तक। तो अंदर कौन कौन अधिकारी मौजूद है? मैजिस्ट्रेट साहब आए, दो मैजिस्ट्रेट साहब आए हैं और बाकी उनका स्टाफ है। दिल्ली पुलिस का हमें कोऑपरेशन है बड़ा, उन्होंने सारा मैनेज किया। देखिए, तो ये तो इनका साफ कहना है कि यहाँ पर लोक अदालत में शाम तक निपटाना, मेरे साथ कुछ और मेहमान मौजूद हैं जी। मेहमान नहीं, ये हमारे यहाँ पर अंदर कुछ को डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि वो देख रहे हैं कि किनका हो चुका है, नहीं होना है, जरूरत नहीं है करने के लिए, वो हो रहा है। समय लगेगा पर हो जाएगा सब। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर जो भीड़ है, उनके लिए क्या नियम है, क्या गाइडलाइन? भीड़ है, भीड़ को लाइन में खड़ा करा हुआ है, उनको टोकन दिया जाएगा, टोकन लेके वो अंदर जाएंगे, बिठा दिया जाएगा, फिर टोकन को बुला के फिर वो पुलिस डेस्क पे जाके उनका चालान निकाला जाएगा। चालान निकाल के बारी बारी मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे, जिनको पेमेंट करनी है वो साथ में दूसरे डेस्क पे पेमेंट ले रहे हैं और करके उनको बाहर ले। दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से घर घर लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह लोक अदालत सभी कोर्टों में और डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में लगाई जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं बसंत विहार में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली राज्य विधेयक सेवा प्राधिकरण की तरफ से घर घर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर लोगों की तादाद काफी भीड़ भी है क्योंकि जो ट्रैफिक नियमों का, जिन लोगों का चालान कटा है वो यहाँ पर आ सकते हैं और उनका मतलब चालान का निपटान किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हैं पीछे किस तरीके की भीड़ है, ये बसंत विहार का इलाका है और देख सकते हैं बोर्ड भी लिखा है और इस वक्त मेरे साथ कुछ RW के लोग मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके का क्या है। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम जसविंदर सिंह है। आज ये जो लोक अदालत है किस तरीके का निपटान हो रहा है? सब तरह के ट्रैफिक चालान जो है सड़कों पर जितना मैक्सिमम हो सकेगा वो कर। तो मतलब सस्ता होगा या मतलब जैसे होता है उस तरीके से? जैसे होता है, हो सकता है उसको लश वगैरह भी हो जाए। अंदर पे कौन कौन है सर?
कितने मतलब कितनी देर तक चलेगी ये लोग अदालत? ये शाम तक चलेगी, 3:30 बजे तक। तो अंदर कौन कौन अधिकारी मौजूद है? मैजिस्ट्रेट साहब आए, दो मैजिस्ट्रेट साहब आए हैं और बाकी उनका स्टाफ है। दिल्ली पुलिस का हमें कोऑपरेशन है बड़ा, उन्होंने सारा मैनेज किया। यहाँ पर अंदर कुछ को डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि वो देख रहे हैं कि किनका हो चुका है, नहीं होना है, जरूरत नहीं है करने के लिए, वो हो रहा है। समय लगेगा पर हो जाएगा सब। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो भीड़ है उनके लिए क्या नियम है, क्या गाइडलाइन? भीड़ को लाइन में खड़ा करा हुआ है, उनको टोकन दिया जाए, टोकन लेके वो अंदर जाएंगे, बिठा दिया जाएगा, फिर टोकन को बुला के फिर वो पुलिस डेस्क पे जाके उनका चलान निकाला जाए। चलान निकाल के बारी बारी मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे, जिनको पेमेंट करनी है वो साथ में दूसरे डेस्क पे पेमेंट ले रहे हैं और करके उनको बाहर ले रहे हैं। देखिए, तो इनका साफ कहना है कि यहाँ पर शाम तक निदान हो जाएगा और यहाँ पर जो ट्रैफिक चालान, जिन लोगों के ट्रैफिक चालान कटे हैं किसी वाहन चालान को, और यहाँ सस्ते में निपटान होगा और बखूबी एक एक करके सबको अंदर आने दिया जाएगा और चालान का निपटान किया जाएगा। दिल्ली से निखिल कुमार, जनतंत्र टीवी। वही शादीपुर फ्लाईओवर को पूरे 50 साल हो गए, जिसे लेकर बीजेपी स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है। इस फ्लाईओवर को 14 फरवरी 1971 में बीजेपी के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने बनवाया था। इस खास मौके पर विजय कुमार मल्होत्रा समारोह में खुद पहुंचे। इस दौरान दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ साथ मेयर जयप्रकाश सहित नॉर्थ एमसीडी के तमाम पार्षद और नेता भी शामिल होते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए आपके सामने। इस दौरान प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि तब इस पुल का जिक्र तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जगह जगह किया करती थी, लेकिन आज माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। वहीं आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर जमकर नाराजगी जाहिर की। आदेश गुप्ता ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया और एमसीडी का फंड रोककर परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता सब जानती है, ये इसका जवाब जरूर देगी। ये पुल के 50 साल ये इस बात के गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, दिल्ली विकास की ऊंचाइयां छूती है। ये पहला दिल्ली का फ्लाईओवर है जिसकी प्रशंसा उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विदेशों में जाकर करती थी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा। उसके बाद मदनलाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने दिल्ली में मेट्रो और नए कॉलेजेस बनाने का काम किया। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब सिंह वर्मा और सुषमा जी बनी, उन्होंने भी दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाया। जहां एक तरफ पूरी दिल्ली में लोक अदालत का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कड़कड़डूमा कोर्ट शाहदरा बार एसोसिएशन ने लोक अदालत के खिलाफ नारेबाजी की। DLSA यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर पुतला दहन किया गया। DLSA के पुतले फूके गए। तस्वीर आपके सामने। दरअसल इन वकीलों का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की नाकामी है। जानकारी के मुताबिक इतने बड़े आयोजन में वकीलों के लिए सिर्फ 3 विंडो का होना और अदालत को कोर्ट के बाहर लेकर जाने से वकील खासा नाराज नजर आए। फरवरी 2021 को DLSA ने जो घर घर लोक अदालत का आयोजन किया, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसके लिए हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी विरोध किया, वो जाकर इन लोगों से मिले भी, लेकिन इन लोगों ने फिर भी, ये हमारी 25वीं सिल्वर जुबली है, जयंती है, हम इस पर जो है ये आयोजन घर घर बाहर करेंगे, तो इसको लेकर वकीलों में रोष था। उधर दिल्ली मंडावली इलाके में बच्चों को इंजेक्शन लगाने का मामला सामने आया है। इलाके के कई बच्चों का आरोप है कि ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर, उसने बच्चों को दिमाग तेज करने का इंजेक्शन लगाया है। बच्चों के परिजनों को जब इस मामले का पता चला, तब उन्होंने मंडावली थाने में जाकर पुलिस से इस बारे में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने फौरन आरोपी टीचर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाला संदीप मंडावली चौक स्थित एक मकान में आसपास के बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाया करता था। आज एक बच्चे ने अपने परिजनों को बताया कि टीचर ने उसे एक इंजेक्शन लगाने को दिया है, ये इंजेक्शन लगाने से उसका दिमाग तेज हो जाएगा, वो सही तरीके से आगे पढ़ाई कर पाएगा, उसकी हाइट भी बढ़ेगी। बच्चों के इस खुलासे के बाद परिजन घबरा गए, उन्होंने तुरंत इस मामले की शिकायत मंडावली थाने में जाकर पुलिस से कर दी।
इस खुलासे के बाद वहां पर कई बच्चों ने पुलिस को बताया कि हाँ, उन बच्चों को भी इंजेक्शन लगाया गया है आरोपी ट्यूटर टीचर की तरफ से। बच्चों ने यह भी बताया कि एक इंजेक्शन की कीमत 70,000 से भी ज्यादा है। पुलिस मंडावली थाने में फिलहाल कई परिजन पहुंचे हुए हैं, बच्चे भी पहुंचे हुए हैं परिजनों के साथ। फिलहाल पुलिस का कहना है मामले में पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आरोपी टीचर और उसके एक साथी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। सर, जो भैया ट्यूशन पढ़ा रहे थे वो बच्चों को इंजेक्शन दे रहे थे, तो उन्होंने मेरे को भी दिया था लगाने को, पर मैं लगाया नहीं, अपने पेरेंट्स को दे दिया और पेरेंट्स ने यहाँ पे कंप्लेंट कर दी। इंजेक्शन क्यों दिया था आपको, क्या कह सर? वो बता रहे थे इंजेक्शन से दिमाग तेज होगा और हाइट बढ़ेगी। नहीं, वही एक लड़का था, उन्होंने बोल दिया तो ऐसी चौक पर बात फैल गई इसमें लगाने की। आपको इंजेक्शन दिया गया था, किस वजह से इंजेक्शन दिया गया था आपको? कि हमें इंग्लिश एक्शन पढ़ाया जाता था, तो उसमें बच्चों को जल्दी याद नहीं होता, तो 6-7 दिन में 100 वर्ड याद होने पर लगते थे, तो उसी के लिए भैया ने हमें लगाया ताकि जल्दी जल्दी अपनी स्पीड को बढ़ा सके और जल्दी जल्दी हर चीज़ को सीखे। तो सर, मेरा लड़का बगल में ट्यूशन पढ़ने जाता था, वहाँ पे जो ट्यूशन पढ़ाने वाला जो इसका टीचर था, वो पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को इंजेक्शन के भी लगाया करता था, जो कि इंजेक्शन मेरे बच्चे के स्कूल के जो बैग है उसमें से बरामद हुआ। जब मैंने उससे सख्ताई से पूछताछ करी तो उसने बताया कि जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ वो भैया मुझे लगाते हैं, और ये इंजेक्शन जो है दिमाग बढ़ाने की और हाइट बढ़ाने की है, जो कि सर मुझे गलत लगा और मैंने इस बात की सूचना अपने मकान मालिक को दिया। वही कोरोना की वजह से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो है छात्र और खासकर छोटे बच्चे, जिनका पूरा साल ही कोरोना ने बर्बाद करके रख दिया। लेकिन अब कोरोना का कोहराम कम हुआ है तो बच्चों के स्कूल खोलने की भी तैयारियां चल रही है। साउथ एमसीडी इसको लेकर सबसे पहले पेरेंट्स की तसल्ली करना चाहती है कि अगर उनके बच्चे स्कूल खुलने पर स्कूल आएंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, और इन्हीं बातों को समझाने के लिए और इसमें पेरेंट्स की क्या राय है, उन्हें क्या लगता है, ये जानने के लिए बाकायदा पेरेंट्स को विकासपुरी में बुलाया गया। इस दौरान साउथ एमसीडी शिक्षा विभाग में तमाम अधिकारियों के साथ साथ इलाके की पार्षद और कुछ अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद नजर आए। शिक्षा अधिकारियों ने उन पेरेंट्स को भी खास तौर पर बुलाया जिन्होंने पिछले साल अपने बच्चों का दाखिला तो करवाया लेकिन कोरोना शुरू होने की वजह से भी बच्चे को स्कूल भेज नहीं पाए। इसीलिए उन्हें स्कूल की तैयारी और सारी व्यवस्थाएं किस तरह की वहां पर है ये दिखाने के लिए खासतौर पर बुलाया गया था। पेरेंट्स को इस बात की भी तसल्ली कराई गई कि वे लोगों को विश्वास दिलाए कि अब एमसीडी स्कूल किसी निजी स्कूल से कम नहीं है, चाहे वो संसाधन की बात हो या फिर पढ़ाई की बात हो। इस लॉकडाउन में कईयों की नौकरियां चली गई तो ऐसे में वो एमसीडी स्कूल में ही अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। वैसे इस खास आयोजन से पेरेंट्स भी काफी संतुष्ट नजर आए। जिन्होंने अभी तक विद्यालय में जो नहीं आए हैं और जिनका नया दाखिला अभी इस सत्र के दौरान हम लोगों ने किया है, तो जो भी नए बच्चे हैं उनके अभिभावकों को बुलाया गया है। और जैसा कि कोरोना का जो ये काल है, इस काल में क्योंकि स्कूल जो थे हमारे बंद थे अभी तक, तो अब इन बच्चों के लिए एक अलग से प्रयास होगा कि ये बच्चे सारे के सारे अच्छी प्रकार से मतलब विद्यालय में हमारे प्रवेश करें और हमारे देश के बेहतर नागरिक बने और अच्छी प्रकार से यहाँ से पढ़ाई करें। आज हम जो है ना दक्षिण दिल्ली नगर निगम के बी ब्लॉक विकासपुरी के स्कूल में यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग में एकत्रित हुए थे। आज का हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये था कि हमारे जो नए प्रवेश हुए हैं बच्चों के, वो अभी चूँकि पहले एक भी बार जो है ना अभी विद्यालय में नहीं आ पाए हैं, तो उनके जो अभिभावक हैं उनको जो है हम विद्यालय का पूरा पर्यावरण, यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की जो सुविधाएं हैं जो दक्षिण दिल्ली नगर निगम के द्वारा निःशुल्क शिक्षा का एक जो बहुत बड़ा प्रयोजन जो दक्षिण दिल्ली नगर निगम करता है, उसकी पूरी शिक्षा के बारे में पर्याप्त जानकारी उन अभिभावकों को दें। इसके लिए हमने यहाँ पर सैकड़ों जो है ना पेरेंट्स को यहाँ पर आज बुलाया था और वो यहाँ पर उपस्थित भी हुए हैं। बहुत अच्छी मीटिंग है, बहुत अच्छा समझाते हैं, ये स्कूल बहुत अच्छा है, हमने पढ़ा रखा है बच्चों, एक हमारा बच्चा बड़ा पढ़ा है इसमें और छोटे बच्चों को भी डाला है हमने, तो मेरा सेकेंड मीटिंग था, बहुत अच्छा मीटिंग होता है यहाँ पे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।